नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। छोटी सी एक मिनट में बता देता हूँ। हमेशा हम सीएम साहब को जरा गांधी जी से ताबीर करते हैं, क्योंकि मेरी नानी कहा करते थे, जब गांधी जी को गोली मारी गई तो मुसलमानों के घरों में रोमराट तक खाना नहीं पका था, क्योंकि गांधी जी बड़े सेकुलर थे। किताबों में आप पढ़े हैं ना, और गांधी जी इस्लामिक कल्चर से बहुत अच्छा वाकिफ थे। हिंदुस्तान आज़ाद होने से कुछ दिन पहले एक शख्स ने गांधी जी के पास आया, जर्नलिस्ट, और आज़ादी में सबसे ज्यादा अगर कटे हैं तो मुसलमान कटे हैं। मैंने कहता हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नामा हमने लिखे, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने लिखी है, 80% नाम तो मुसलमानों के, उलमाओं के नाम। तो उनसे गांधी जी से सवाल किया, गांधी जी मौलाना अबुल कलाम साहब की बहुत इज्जत करते थे, तो पूछा कि आप हिंदुस्तान कैसा देखना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा, जवाब दिया, मैंने बहुत से हुक्मरानों के बारे में पढ़ा है, इस्लाम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो इंसाफ हुआ करता था, जिस तरह की हुकूमत थी, उसी तरह की हुकूमत मैं हिंदुस्तान में देखना चाहता, ये काम है। बाद में दूसरी बात कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बाद हमारा तेलंगाना गांधी भी है, जो वो अच्छी तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चलता है, लोगों को सेकुलरिज्म लाता है। अब एक मीडिया वाले ने बीच का एक बटकुक निकाल लिया, अब क्या करूं बोले मैं। फिर भी तो मुफ्ती साहब से बात किया, मैं अजय भाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हिंदुस्तान के, मेरे स्टेट नहीं कि उसने, सारे हिंदुस्तानों के मुसलमानों से इस गलत फहमी के लिए मैं खुद माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि माफ़ी चाहना ही अल्लाह ताला को पसंद है। और उधर से एक बात पूछता हूँ, हमारे मुफ्ती हजरात है, हमारे मुफ्ती हजरात के चप्पल के धूल के बराबर भी हम नहीं है, चप्पल से कहता हूँ, तो खुलफाए राशिद के मुकाबले में किसी कर सकते सर, सारी दुनिया के सर काट के रख देंगे, उनके कदमों में तो कम है। अब एक शख्स ने इलेक्शन का टाइम में जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें से कटिंग करके, क्योंकि मेरे हमारे सीएम साहब के बारे में कुछ गलत फहमी डालने के लिए कुछ, और असद साहब के बारे में डालने के लिए एक वीडियो डाल दिए थे वो साहब, तो मेरे बेटे ने सख्ती से कहा। और एक बात मैं बोलना भी चाहता हूँ हमारे उलमा से, हमारी गर्दन भी कट जाएगी तो हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे, ये कांग्रेस वाले रूमर्स फैला रहे, क्यों मिलेंगे बताइए। मोदी साहब आके कहते हैं नहीं बोलना चाहिए जगह, क्योंकि सियासी नहीं है, कि केसीआर साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अरे विजय साहब के वजह से लोग आ रहे तो बना देते, एमएलए ताकत करे तो बना देते, पीएम से ताकत लेना क्या बोली, उन्होंने एक बोलते रहते सीएम साहब के पीछे, वो मेरी बात को कट करके क्या कर दिए, वो तेलंगाना के महात्मा गांधी, महात्मा केसीआर साहब भी महात्मा गांधी की तरह उस ख्यालात से चलते हैं, और हम कई बार बोल चुके हैं वो बात, तो काट देके उसको लगा दिए, तो उसमें लोगों में थोड़ी सी गलतफहमी है। फिर भी किसी को भी जर्रा दिल में इतना बाल बराबर भी किसी को मेरी गुफ्तगु से ही अगर कोई आदमी उलटपट करने से भी तकलीफ हुई तो मैं उससे माफी चाहता हूँ, मैं आपका खादिम हूँ और आपके कदमों के पास रहने वाला हूँ, आपके दुआओं से, आपकी वजह से ही मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, आपकी वजह से ही मुझे होम मिनिस्टर मिला है, मुफ्ती साहब भी थोड़ा जानते हैं मुझे, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, मैं टोटल, आप पूछे अजय भाई से पूछिए, मैं हमारे उलमाओं का इतना एहतराम करता हूँ, हमारे उलमाओं की इज्जत के लिए मेरी गर्दन काट कर उनके कदमों में रख सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी बदतमीजी किस तरह कर सकता हूँ, किधर के आगे किससे मिला सकता हूँ। मगर वो शख्स हमारे मुखालिफ था, जिस शख्स ने उनके टीवी के में बात कट किया हो, अब उसके बाद से हमारे लोग तो जो है थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं, जल्दी जल्दी और लोगों में, तो मैं इसलिए, मैं पहले जब खम्भम में आया, चूँकि हैदराबाद में नहीं था, मुफ्ती साहब से रास्ते में बात किया, तो अपना मुफ्ती साहब हमारे उलमाओं के सामने, हमारे मुफ्तियों के सामने हम अपना सर भी कलम करके रख सकते हैं, ये तो खुलफाए राजीन तो बहुत बहुत बड़ी बात है, इनका क्या, उनके बारे में कभी केसीआर साहब को सोच सकते हैं उनके बारे में मिलाने, ये नाउज बिल्ला, ये हम पे वो बीच का टुकड़ा कट कर दिया गया, कट करते गया हुआ उधर की दवा इधर मिल गई। तो अजय भाई के ऑफिस में मैं भी माफ़ी चाह लिया हूँ, और फिर और एक बार भी, क्योंकि यहाँ के मुफ्ती हजरात हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ।